ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਣੇ ਆ ਲਓ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਆਮਲੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਗਰਮ ਨੇ ਵਾਲੀ ਪਰ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਸੋ ਕਾਮ ਨਾਲ ਨੇ ਛੇੜ ਤੇ ਨੰਦੀ ਕੱਟ ਆਮ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮਾਮੂ ਚਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम उम्मीद करना मैं तमाम बहन बिराजी थे विरावन खुश रहने बाद रहने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। वीडियो शुरू करने तो पहले तमाम बहन बिरावन से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो और घंटी के निशान दुबारा ना भूलें ताकि आने वाली हर नवी वीडियो तुहाडे तक आसानी पहुँच सके। अज तकरीबन शाम हो गई तो मैं जी रेसिपी की वीडियो जी अज बनाने लगे क्योंकि सारा दिन जो तंदूर फैक्ट्री तो जो फुरसत नहीं मिली क्योंकि सारा दिन काम किया तंदूर वगैरह बनाता रहा मिट्टी गोई बेई सारा काम वो करता रह गया तो तंदूर जो मूंगा रन भी मारने तो शहर भी जाना बर्तन लैन भी वो भी लैके आ गया तो हूँ जो चल के ना रेसिपी बनाने मैं बना रहा पुलाओ चावल तो चलने चल के तुम भी खाने भी कि पुलाओ चावल बना रहे। हाँ जी तो पुलाव बनाने की होगी तैयारी अब्बू जी की है फेवरेट डिश पुलाव अब्बू जी ने आख्या ना पुलाव पका क्योंकि पका तो होर भी कर दे लेकिन ना मेरे घर के भी पुलाव बना लवे तो अब्बू जी का ना तेरे हाथों टेस्ट है तो पुलाव जरा तू आप मैंने बना पाया मैं अब्बू जी मुझे तुम बना के देना पुलाव तो प्याज वगैरह जो मटर तो आने मैं काढ़ ले तो प्याज वगैरह मसाला कुतर के क्योंकि गाजर भी कुतरनिया ने आली तो आलू भी कुतरन वाले पैने क्योंकि बना रहे हैं सब्जी वाला पुलाव खस्सी पुलाव खस्सी पुलाव लेट होगी नहीं तब्बू जी ने तो बिरयानी बना के खिलानी सी लेकिन हूँ लेट होगी हूँ शहर नहीं जाया जाता ता करके मैं आख्या भी उन्हें ही बना लेने अज जे ना कमेंट तुम जरूर दसना क्योंकि मैं बर्तन जे है ना मिट्टी के लैन दे तब्बू जी के बर्तन फेवरेट ने क्योंकि अब्बू जी कह रहे थे पहले जमाने के विच ना यही चीजें चलदियां सी साडियां पहलियां चीजा ने जिहड़ियां असीं अज लैके आए इस तुते होर चीज कोई नहीं इह भांडे बर्तन लोहा क्या वो किते कम दा नहीं दा है असल साडा अपना है बर्तन कौन पीउणे दे जणा हांडी भी इहो जी चीजां च पकाओ वो लज़्ज़तदार हुंदी। हाँ जी तो अब्बू जी ने कहा सी ते सानक जिहड़ी हैगी ना आटे गुन्नण वास्ते वो भी सवेरे लैके आनी क्योंकि अज उहनां कोल हैगी सी कोई नहीं तो मैं उन्हां नूं आर्डर दे आया पैसे भी दे आया तो उन्हें कहा सवेरे जिहड़ा चार एक बजे को आण के फड़ लई तो कुन्नी जी वह भी मैं लैन दी तो बाकी जी आते चमचा जरा सिलवर जहाँ हों अपना लोहे का मैं भी लक्कड़ का लैके आया इनू पंजाबी असी तो कहने डोई तो कुन्नी भी सवेरे लैके आनी चमचा ही है। हाँ जी बोली तो जो चमचा साड़ी बोली है डोई सदी जाती है। हाँ जी गाजर तो जेडे ना आलू वगैरह आलू पाने वाले पैन पुलाव लंबे करके कटने होंगे मतलब कि चिप्स टाइप के आलू होवन तो लज़्ज़त की काफ़त ना लेना हाँ जी तो बिस्मिल्लाह पुलाव पकाने की हो रही तैयारी जो मैं पहले पा ली घ्यो जेड़ा माशाल्लाह गर्म हो गया सब तो पहले पा लेने अंदर प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज तो बाद पानी हरी मिर्च अब्बू जी और आ गई काल अच्छी तरह ला ली माशाल्लाह प्याज जेड़े तकरीबन तैयार हो तीनों उस पीछे जेड़ा है ना मटर ते आलू पाने अब्बू जी कह रहे हैं हाली तीन नहीं होए। हाँ जी अब्बू जी हाली तीन नहीं होए ने मैं क्या तैयार होए खड़ोते ने ते फिर पाने दे मटर ते आलू। हाँ जी प्याज जेड़े तकरीबन तैयार हो खड़ोते ने ते लाल मिर्च जेड़ी दो चम्मच पा लेंगे हल्दी जेड़ी हैगी
ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਮਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੰਡਕਾ ਲਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ पहले पा लेने मटर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उंजी नाच पा लेने आलू तो गाजर अच्छी तरीके जिहड़ा हल कर लेने हुण अच्छे तरीके इन्हू तकरीबन पाँच एक मिनट बुनांगे फिर इन पानी पावांगे मसाला जिहड़ा तैयार हो गया तो हुण इहदे विच ना तीन एक पा पाना पानी किलो नहीं पाना पानी जिस टाइम उबल जा फिर इहदे विच पावांगे चावल पानी जिहड़ा उबल गया तो मैं चावल हुण पा लईए आ मिट्टी के बर्तन लैन दें तो माशाला ना काफ़ी सहूलत हो गई हैं एक मेन गल तो भी अबू जी खुश हो गए दूआ है भी अगर ना अग तो दूसरे बर्तन जो चमचा वगैरह गर्म हो जाते हैं हाथ सड़ते हैं वो परेशानी माशाला खत्म होगी माशाला चावल जो तकरीबन तैयार हो तीन पाँच एक मिनट बाद जोड़ा ना दम दे दी माशाला चावल जोड़े ना तैयार हो गए तो उन्हें पंद्रह मिनट वास्ते दम दे दें 15 मिनट बाद अपना इंशाल्लाह पुलाव तैयार माशाल्लाह पुलाव भी दम है ना 15 मिनट गए थे मैं ना वो 16 17 मिनट गए ने ते पाट के ने माशाल्लाह खुशबू है ना काफ़ी अच्छी आ रही हमने भी बिन थे सारे माशाल्लाह पक्के भी ना काफ़ी सोने ने माशाल्लाह खुशबू पै रही पानी जेड़ा मैं लगता है आज थोड़ा ज़्यादा पै गया जिंद वजह चावल चिप चिपे जे बन गए तो माशाला खुशबू जी है ना अबू जी कह रहे हैं खुशबू तो ना बड़ी प्यारी आ रही है तो अबू जी ने भुख हैगी सब तो पहले अबू जी ने दिने क्योंकि अबू जी का फेवरेट खाना है चौल इंशाला जी मेरी हैगी मेहनत माशाला होगी पूरी इंशाला इस दुआवा दो इजाजत क्योंकि रात काफ़ी होगी तो हम चौल खाने फिर तो इंशाला मिलने सवेरे किसी नेक्स अच्छे जे ब्लॉग के नाल फिर लाल के लिए इतना उम्मीद करना अभी रेसिपी बने भाई पसंद आए तो कमेंट तुसा जरूर दसना भी चावल कैसे बने ने फिर लाल के लिए इतना अपने प्यारे भाई इजाजत को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़।